इसके अलावा बात करते हैं, अब डीए की बात कर लेते हैं। डीए में जो हमारे पास अपडेट है कि किन कर्मचारियों को डीए मिलने वाला है, सबसे महत्वपूर्ण, प्रदेश के कर्मचारियों को 3% डीए मिलना है, यह अभी तक नहीं मिल पाया है, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल जो लेबर ब्यूरो का ऑफिस है हिमाचल में, वहां से भारत सरकार को एक प्रस्ताव गया है जो केंद्रीय कर्मचारी है कि इनको, हालांकि 7% से जो डीए अभी इनको मिल चुका, हम कह सकते हैं मिल गया है, 4% डीए की और सिफारिश की गई है, यानी जो महंगाई भत्ता है उसमें 4% की और सिफारिश की गई है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गया है लेबर ब्यूरो से, कह सकते हैं आप प्रस्ताव। इसमें यदि वहां से हरी झंडी मिल जाती है तो फिर जो केंद्रीय कर्मचारी ही है उनको, कह सकते हैं आप, 11% डीए मिलेगा, और ये कहीं ना कहीं जो है वो इनके लिए एक तोहफा है, और जनवरी माह में इसके इसके मिलने के आसार हैं। फिलहाल जो लेबर ब्यूरो जो का कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट में दरअसल लास्ट कैबिनेट में फाइल गई थी, और कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को जो 3 जनवरी 2022 को इन पोजिशन थे उनको रेगुलर की 2 साल की सर्विस के बाद हायर ग्रेड पे मिलने को लेकर ऑर्डर होना था, लेकिन फाइल पे कुछ चीज़ें गलत चढ़ गई हैं, वर्डिंग जो है वो गलत नोट हो गई थी, इसीलिए उसमें करेक्शन होनी थी। करेक्शन को जो ऑथराइज करने के लिए जो ऑर्डर है वो भी नई कैबिनेट से लेना पड़ेगा। फाइनेंस के अधिकारी ये कह रहे हैं कि अभी हम प्रेजेंट सेटअप में इसको फाइनल नहीं कर सकते, और अगर कर भी दें, मान लीजिए मुख्यमंत्री से ही परमिशन ले ली उसमें, या बाई सर्कुलेशन, या जिस दिन कैबिनेट होनी है उसी दिन ही उस परमिशन को ले लें, तब भी नोटिफिकेशन नहीं हो सकती। और पहले ये था कि नोटिफिकेशन पर्सनल करेगा क्योंकि डीओपी को उसको दे दिया गया था, लेकिन अब भी ये नोटिफिकेशन नई सरकार के आने से पहले नहीं हो सकती, और इसीलिए इस फाइल पर भी अभी कोई मूवमेंट नहीं है। था हमारे पास जो जेबीटी और जो टेट का एक मैटर, काफी जो है वो जेबीटी और भीड़ वाला का जो मैटर है वो काफी सुर्खियों में रहा। अब देखिए आज क्या हुआ, आज कक्षाओं का बहिष्कार किया है जेबीटी जो प्रशिक्षु है। अब इनका जो आरोप है वो ये है कि जो जेबीटी का टेट है उसमें बीएड वालों को नहीं जो है वो लाना चाहिए, और इससे जेबीटी और जो डीएलएड वाले हैं उनको नुकसान हो रहा है। अब कह सकते हैं, अब जब जेबीटी भर्ती के लिए आप कह सकते हैं इसमें बीएड वालों को भी पात्र बताया गया है, कुल मिलाकर देखें ये मसला जो है वो कोर्ट में भी चल रहा है। अभी आपने देखा किस प्रकार से पूरे 6-7 महीने ये खबर सुर्खियों में रही, लेकिन आज फिर से जो जेबीटी प्रशिक्षु है उन्होंने प्रोटेस्ट किया, सड़कों पर उतर गए हैं। इनका यही कहना है कि जेबीटी भर्ती के लिए जो जेबीटी का टेट है उसके लिए केवल और केवल जेबीटी वाले ही एलिजिबल होने चाहिए, जो बीएड वाले हैं वो अपनी जो उनका टेट होता है, अपनी जो उनकी भर्ती होती है उसमें वो रहे, हमारे उसमें नहीं रहे। लेकिन ये मैटर जुडिशियल मैटर है, इसमें जो है वो अपने स्तर पर जो है वो चल रहा है मैटर। आज जो प्रोटेस्ट हुआ उसकी जानकारी हालांकि हमने पहले भी आपको दे दी थी, एक बार फिर से हम आपको दे रहे हैं कि जुडिशियल मैटर है, लेकिन जेबीटी वाले वो कह रहे हैं कि हमारे बीच जो है वो अब ये जहां तक बात आउटसोर्स को लेकर है तो आउटसोर्स को लेकर हमने आपको अपडेट दी थी कि जो कैबिनेट ने लास्ट टू लास्ट कैबिनेट में जो डिसीजन लिया था कि आउटसोर्स के लिए अलग पॉलिसी बनाएंगे, उस पॉलिसी में ये होगा कि जॉब सिक्योरिटी देंगे और जो कौशल विकास एवं रोजगार निगम बनाएंगे और सारे विभागों के जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं 28,000 वो उस निगम के अंडर आ जाएंगे और फिर उनको जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी। हालांकि फाइनेंशियल मैटर डील नहीं हुआ था उसमें भी, लेकिन पहले ये कहा गया कि अब पॉलिसी कौशल विकास निगम बनाएगा, लेकिन उसके बाद ये पता लगा कि जो पॉलिसी है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ही बनाएगा। उसके बाद फाइनेंस सेक्रेटरी ने सेक्रेटरी टेक्निकल एजुकेशन और सेक्रेटरी लेबर के साथ बैठक कर ली थी, और उसके बाद इन दोनों विभागों को कहा था कि वो अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, फिर दोबारा बैठक करेंगे, फिर उसमें फाइनल करें। तो न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी एसोसिएशन के जो प्रतिनिधि हैं उनको नोटिस जारी हुआ था, ये बीजेपी ने शिकायत की है कि वो सोशल मीडिया पे कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, ऐसी शिकायत की गई थी, इनको नोटिस हुआ था, 2 बार रिमाइंडर दिए गए, इन्होंने रिप्लाई लेट दिया, और अब जाके इनका रिप्लाई आया है जब इलेक्शन ओवर हो गया एक तरह से। और मैं फिर कह रहा हूं कि जब एक बार इलेक्शन ओवर हो जाता है तो चुनाव आयोग का भी सीरियसनेस कम हो जाती है, और अब इसमें कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई होने की संभावना भी नहीं है जैसा कि पहले एक कर्मचारी नेता पर चार्जशीट करने का ऑर्डर हो गया था। दरअसल बीजेपी की शिकायत यह थी कि सोशल मीडिया पर एक पार्टी का प्रचार कर रहे हैं ओल्ड पेंशन के बहाने। एनपीएससीए वालों को जब यह नोटिस दिया गया उन्होंने नोटिस का जवाब दिया है, जवाब में यह कहा है कि उन्होंने किसी पार्टी का प्रचार नहीं किया है, सोशल मीडिया पे वो सिर्फ ओल्ड पेंशन की पैरवी कर रहे थे और ओल्ड पेंशन के मुद्दे को लेकर ही वोट करने का आग्रह कर रहे थे, तो सिर्फ ये ओल्ड पेंशन को लेकर था, ना कि किसी पार्टी को लेकर। तो ये इनका रिप्लाई है, अब रिप्लाई वो बंद हो गई है।
तब से लेकर के अभी तक जो ईयर चल रहा है 2022, यदि ओपीएस बहाल हो जाती है तो राज्य सरकार को इसको कवर करने के लिए 2000 करोड़ का जो लाइबिलिटी है वो अभी तक बनती है, यानी 2000 करोड़ देना पड़ेगा यदि 2003 से अभी तक के एम्प्लॉयज की ओपीएस स्टेट के अंदर बहाल हो जाती है। दूसरी चीज, यदि ओपीएस बहाल होती है जो लाइबिलिटी खत्म हो गई उसके बाद 600 करोड़ रुपए सालाना जो है वो राज्य सरकार को अतिरिक्त वहन करना पड़ेगा कर्मचारियों को देने के लिए जो कर्मचारी रिटायर होगा। ये एक दूसरी चीज हो गई। लेकिन इस बीच जो अभी हो रहा है, अभी जो एनएसडीएल कंपनी है इसको टोटल जो पैसा जाता है सरकार से और कर्मचारियों से वो जाता है 24%, जिसमें 10% कर्मचारियों का पैसा है और 14% राज्य सरकार का है जो एमओयू एक साइन हुआ है केंद्र सरकार और एनएसडीएल कंपनी के साथ। इसमें 24% जो है वो पैसा जा रहा है महीने का। हर महीने एनएसडीएल कंपनी को 93 करोड़ रुपए जाता है प्रदेश सरकार और कर्मचारियों का जो हर महीने जाता है। सालाना यदि आप देखेंगे शेयर जो शेयर मार्केट में पैसा लग रहा है कर्मचारियों का वो लग रहा है 1126 करोड़। अब एनपीएससीए जो न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो कर्मचारी वो ये डिमांड कर रहे हैं कि जो पैसा एनएसडीएल कंपनी को दिया जा रहा है उनको ना दिया जाए और ये जो पैसा है सीधा कर्मचारियों को ही मिलना चाहिए रिटायरमेंट के बाद, वो इस करार को खत्म करना चाह रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने अपना जो मैनिफेस्टो है उसमें जो पहली गारंटी दी थी कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो हम 10 दिन के अंदर ओपीएस बहाल करेंगे। हालांकि इससे पहले जब सत्ता में थी कांग्रेस तब वो बहाल नहीं कर पाई। लेकिन जो विश्वास की चीज है वो ये है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने ओपीएस बहाल करके दिखाई है, लेकिन वहां पर भी राजस्थान का जो आंकड़ा हमारे पास जो सूचना मिली है अभी तक हमें कुछ एक जो कर्मचारी है लगभग 200-250 के लगभग जो कर्मचारी वहां पर अभी अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं उनको तो मिल रही है, सोशल मीडिया पर वायरल भी वीडियो हुआ है, लेकिन जो पुराने कर्मचारी है उनको अभी ओपीएस जो है वो नहीं मिल रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिल रही है, इस पर जो है वो काम किया जा रहा है। अब इसी में एक सूचना जो हमारे पास है, निर्मला सीतारमण केंद्रीय मंत्री है, वित्त मंत्री, आप समझ सकते हैं वित्त मंत्रालय ही जो है वो जिस प्रकार के मामले होते हैं उनको सबसे अधिक नॉलेज होती है, वित्त मंत्रालय का ये काम होता है। उसमें निर्मला सीतारमण ने एक बात कही थी शिमला में जब हमने सवाल उनसे पूछा कि क्या राज्य सरकार अपने स्तर पर जो है वो ओपीएस बहाल कर सकती है। एक सवाल यह हो गया। दूसरा सवाल यह था कि जो एक एनएसडीएल कंपनी के साथ करार हुआ है फिर उसमें क्या वो उसको खत्म किया जा सकता है, तो निर्मला सीतारमण का ये बयान आया था कि जो लॉ है उसको ना मैं बदल सकती हूँ ना प्राइम मिनिस्टर बदल सकते हैं, उसके लिए जो पूरा प्रोसेस होता है जो भी प्रोसेस होता है उस हिसाब से जो है वो लॉ को बदला जाता है, जो जब वो प्रोसेस पूरा होगा उसके बाद विचार किया जा सकता है, लेकिन अभी इसको नहीं बदला जा सकता है। तो कुल मिला के देखें 2003 से अभी तक 6500 करोड़ रुपए जो है वो चला गया है एनएसडीएल कंपनी को। अब ये क्या वापसी एनएसडीएल कंपनी देती है एक बड़ा सवाल है जिसकी संभावनाएं काफी कम है, और यदि कांग्रेस दावा कर रही है कि हम ओपीएस को बहाल करेंगे तो कांग्रेस को जो है वो जो 2000 करोड़ की लायबिलिटी बनती है अभी तक 2003 से अभी तक 2022 तक वो भी कर्मचारियों को देनी पड़ेगी।